बिस्मिल्लाह रहमान वेलकम बैक टू लीगल मैसेज। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, सवाल आ रहे थे, हम उनके जवाब दे दें। जो पहला कॉल आई थी शाजिया मिस्टर अनंत की, टेफर्ड इनवैलिड फीज वाज रिफ्यूज्ड, इसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट दैट। इट सीम्स टू बी टोटली अनफेयर डिसीजन, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पहले पैसे थे और आपने अपना जो एप्लीकेशन है वो इन ड्यू कोर्स सबमिट करवा दिया था, उसके बाद उनके मिस्टेक की वजह से आपको सफ़र करना पड़ रहा है, तो इट्स गुड केस फॉर यू टू गो हेड अगेंस्ट दैट डिसीजन। और इसके खिलाफ आप जो है वो आइदर यू कैन राइट टू होम ऑफिस फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर बिफोर यू गो टू हाई कोर्ट फॉर योर जुडिशियल रिव्यू। एंड सेकेंड ऑप्शन यू हैव इज जस्ट write to them, you can submit your application for long residence as well for 10 years rule, क्योंकि आपके पास जब आपका कोई application refuse होता है within 28 days आप अगर कोई second application करते हैं you are not considered to be overstayer in this country। तो इस दोनों सूरत हाल पर आप गौर कर सकते हैं। उस सिलसिले में आप को चाहिए कि आप पहले एक professional advice ज़रूर ले लें, किसी solicitor के थ्रू अपना case करें, क्योंकि आपका case जो है वो काफ़ी उन्होंने complicated कर दिया हुआ है। even though you were right in sending your application in time, लेकिन अभी आपको इसके लिए थोड़ा सा फाइट करना होगा अपने केस के लिए। ठीक है, अब अगेन व्यूजर्स ये कहेंगे आप हमें अपने ऑफिस वी नीड टू सी साइट विद डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ईमेल कर देंगे, अगर आप ईमेल कर देंगे बहुत अच्छा रहेगा। मिस्टर अनंत वी रियली अप्रिशिएट, वी वांट टू हेल्प यू एंड आपके सिचुएशन। जो अली साहब की जो आई थी एंड अगेन 7 ईयर रूल पे वो कह रहे थे, उनके बच्चे जो है ना 11 साल के हो गए, इज 11 ईयर ओल्ड एंड basically in ke bare mein 20 years unke abhi complete nahi hua hai, 20 years have not been done, you know, for this for the new rules। इन्होंने अपने जो है वो 20 इयर्स तो आपके यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों की बेसिस पे किया था, 7 इयर्स रूल की बेसिस पे किया था, जिसमें आपको 3 इयर्स का डिस्क्रिशनरी रिलीफ मिल सकता था। और वंस यू हैड कंप्लीटेड योर 3 इयर्स, देन यू शुड हैव बीन ग्रांटेड अनदर 3 इयर्स ऑफ डिस्क्रिशनरी रिलीफ टू रिमेन इन द यूनाइटेड किंगडम। और आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर 6 इयर्स तो फिर आपको जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इस कंट्री में मिलना चाहिए था। चूंकि आपका उन्होंने 7 इयर्स का जो रूल है वो कंसीडर नहीं किया, उसकी वजह से वो आपका जो आर्गुमेंट है उन्होंने ट्विस्ट कर दिया है 20 इयर्स की लॉन्ग रेसिडेंस की बेसिस पे, उन्होंने आपका जो केस है वो टोटली डिफरेंट कर दिया हुआ है। तो इस सूरत हाल में आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि आपको फोकस्ड रहना है, और अपने केस के सिलसिले में उसी पॉइंट पे आप जो इमिग्रेशन रूल के तहत 7 इयर्स रूल आपकी फेवर में जाता है उस बेसिस पे आप अपना केस कंटेस्ट करेंगे, और उन्हीं बेसिस पे आपको जो है वो discretionary leave to remain in this country grant किया जाएगा। Thank you। शाज़ी कॉल आ रही है, शामिल कर दें। Hello। वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रही हैं और अपना question बताएंगी? जी मैं आशा बोल रही हूँ breakfast से। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी जो ना मिली है 3 साल की ना, क्या फिर sorry आयशा, sorry आप फिर से explain करें, आपको काय पे 3 years के मिली basis for what? ओके। जो मेरे जो हस्बैंड है वो स्टूडेंट आए हैं पाकिस्तान से, तो उनसे भी मेरा एक और बेटी है, ठीक है, उसको भी 3 साल की मेरे साथ डिपेंडेंट एज डिपेंडेंट वीजा मिला था। तो अभी जो मेरे हस्बैंड है वो स्टूडेंट, उनका वीजा खत्म हो गया, उनका कॉलेज बंद हो गया, वो इस बच्चे की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं? आपको जो डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिला था वो कौन सी बेसिस पे मिला था? मेरा जो पहला बच्चा था, पहली मेरी शादी से वो बच्चा बेटी था, उसकी बेस पे मिला। और आपके पहले बच्चे कितने थे? एक ही बेटा है, उसकी भी हाफ से थी। और अब अभी आपके जो है वो आपके जो हस्बैंड है वो प्राइमरी केयरर है आपके बच्चे के? नहीं वो स्टूडेंट आए थे पाकिस्तान से, अभी उनका वीजा खत्म हो गया। और अभी आपके अभी इस शादी से आपके कितने बच्चे? एक बेटा है। एक ही बेटा है जी। चूंकि आपको ऑलरेडी डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिला हुआ है इस कंट्री में, और आपकी जो फैमिली है वो आपको ज्वाइन कर सकती है यहाँ पर, तो इस सिलसिले में अगर आप अपने हस्बैंड का जो है फैमिली मेंबर के तौर पे उनका अप्लाई करते हैं कि वो आपको जो है वो इस कंट्री में है ऑलरेडी और आपको जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ही कैन डू दैट। तो आप जो है इसको ये आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल्स होगा, और आपको इस सिलसिले में जो है वो आप किसी सोलिसिटर से रब्ता करें और आपको उनको जो है ना डिस्क्रिशनरी लीव डेफिनेटली मिल जाएगा, जो सर्कमस्टांसिस आपने बताए हैं उस बेसिस पे उनको लीव मिल जाएगा।
अच्छा आयश जो कॉल आई थी अभी, जो आयश जिन्होंने कॉल करी थी जब बच्चे के बारे में, हम इनको यही कहेंगे कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें ईमेल करें, आई थिंक बी बेस्ट बिकॉज़ इट्स वी नीड टू गेट सम मोर क्लैरिटी, उनके पहले बच्चे पहली मैरिज से, एंड अगेन दे हैव अ सेकंड चाइल्ड फ्रॉम अ न्यू मैरिज, सो आई थिंक वी नीड टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, और फिर इनकी ऑब्वियसली लेकिन जो डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन होता है इस कंट्री में, वो अपने जिस तरह से असाइलम के जो फैमिली मेंबर हैं वो अपने फैमिली को जो है वो कॉल कर सकते हैं और उनको जो है रीयूनियन के सिलसिले में आ सकते हैं. इसी तरह से जिनको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन इन दिस कंट्री मिलती है, द सेम रूल कैन बी अप्लाइड ऑन टू देम, और उनके स्पाउस को भी डिस्क्रिशनरी लीव जो है मिल सकती है. कॉल आ रही है, शामिल करते हैं फिर हम जो क्वेश्चन लेते हैं. जी हेलो, वालेकुम, कौन कहाँ से? जी बेटा, मिसेस शाह, थैंक यू, आपका अभी हम सवाल का जवाब दे दें, आप प्लीज वॉच करें, आप बिल्कुल ही मुतमैन हो, इंशाल्लाह आपको पूरा क्वेश्चन का पूरा जवाब देंगे, सो प्लीज आप वॉच कर दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे हैं, सो आप प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. मेरे ख्याल इनके सवाल का जवाब जी, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपकी टू डॉटर्स को स्टे मिल चुका है इस कंट्री में, और सन को उन्होंने आपके फेवर में जो कोर्ट का डिसीजन हो गया था, लेकिन होम ऑफिस ने जो है वो दोबारा विड्रॉ करके जो नया रिफ्यूजल आपको भेज दिया. इस सूरत हाल में आप इस पॉइंट पे दोबारा आर्गू कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपके सन का जो है स्टे इस कंट्री में बनता है. मोर देन हाफ ऑफ हिज लाइफ ही हैड स्पेंड इन दिस कंट्री, इस बेसिस पे उनको इस कंट्री में लीव डेफिनेटली मिलना चाहिए. आप जरूर कोर्ट में जो है वो अपना केस लेकर जाएं और उनके अगेंस्ट आप डिसीजन लें, और उसके बाद जब आपके सब बच्चों को यहाँ पर स्टे मिल जाएगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन होता है FLR FP जो बच्चों की बेसिस पे पेरेंट्स को मिलता है, आप दोबारा वो एप्लीकेशन डाल के अपना, क्योंकि अगर आपका असाइलम एक्सेप्टेड नहीं होता और फिर भी आपके बच्चे यहाँ पर हैं, तो आप अपना रूट चेंज करके एक नया एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उस बेसिस पे आपको स्टे इंशाल्लाह होपफुली मिल जाएगा. मिसेस शाह से यही कहेंगे, आपके जो भी आपका वकील, आप उससे बात करें और आप हमारी डिटेल्स ले लें, हम आपके वुड लाइक टू हेल्प यू एंड गेट योर एप्लीकेशन सॉर्टेड आउट, और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं हमारी पूरी नॉलेज है, वी हैव अ वेरी गुड टीम, गिव अस अ कॉल, ईमेल भेजें, दैट बी द बेस्ट. एक और कॉल ले लेते हैं, फिर हम जो क्वेश्चन पहले आए थे उनके जवाब देंगे. हेलो, हेलो जी, वालेकुम, कौन कहाँ से? सर जी, मुझे ये पूछना है कि जो बच्चा यहाँ पे 10 साल पूरा करता है ना, हेलो जी जी, जो यहाँ का बॉर्न होता है, यस, हाँ, तो उसको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, तो वो पूरे 10 साल मुकम्मल होने के बाद करना पड़ता है या उससे पहले कर सकते हैं, एक महीना पहले? ठीक है, ये बात मैंने पहले अभी मैंने किया था सवाल, तो उसमें आपने पूरी जवाब नहीं दिया. आपका नाम क्या है? सॉरी, आप अपना नाम बताएं. मिस अली, एक ठीक, मेरे बच्चे वाला केस जो है ना, उसके अंदर उन्होंने मुझे रिफ्यूजल किया था, तो फिर कोर्ट में नहीं, अगर आप देखें कि 28 डेज की बात है, अगर आप 28 डेज वेट भी कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको कोई मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके केस में? अगर तो आप दोबारा इसको एक्सप्लेन करें कि आप 28 डेज पहले अप्लाई क्यों करना चाहते हैं. नहीं नहीं, हम इसलिए कि हमारी डेट है कोर्ट की, जी जी, कोर्ट की डेट जो है ना वो एक हफ्ता पहले है उसके मुकम्मल होने से, 10 साल मुकम्मल होने से पहले, एक हफ्ता पहले हमारी डेट है, कोर्ट में जाना है. पहली बात तो ये है कि आप का जो पहले 7 ईयर वाला था, वही आप उसी रूल को भी आगे लेकर जा सकते हैं, उस सिलसिले में भी आपको जो है वो आपका एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगा, लेकिन आप विद इन 28 डेज पहले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. 10 ईयर्स के रूल पे आप अपने बच्चे का अप्लाई करें, और उसके अलावा आप जब कोर्ट में जाएं तो वहां पर ये चीज़ भी हाईलाइट करें कि ये सूरत हाल है आपके बच्चे को, यहाँ पर इतना अरसा हो गया है, पहले भी आपको लीव ग्रांट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी जो है वो आपके बच्चे का यहाँ पर परमानेंट स्टेटस जो है वो होने जा रहा है, उस सिलसिले में आपका केस जो है वो कंपेलिंग एंड कंपैशनेट ग्राउंड पे कंसीडर किया जाना चाहिए. और अगेन अली साहब से ये कहेंगे, देखिए अली साहब, आपके जो ना कॉम्प्लिकेटेड है, सम इश्यूज आर कॉम्प्लिकेटेड, आप हमें ईमेल भेजिए, दैट्स अ वेरी गुड वे, हम आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम काफी क्वेश्चंस ले रहे हैं और आपको इंशाल्लाह अच्छी एडवाइस देंगे, आप हमें ईमेल भी भेजें, वी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. जो तायर साहब की जो कॉल आई थी, सेड अबाउट बीइंग अ स्टूडेंट, मार्च 2013 में उन्होंने एप्लीकेशन डाली स्पाउस वीजा के बारे में, एंड 6 मंथ्स इज प्रॉब्ली
इज बीन अ लॉन्ग टाइम वेटेड, सो इन इट्स अ स्टेटस अपडेट लेना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इनका तो बहुत सिंपल है, आप जिसमें बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जिसमें उनके केसेस का रिस्पॉन्स उनको नहीं आता, आप जो है वो आप लिख सकते हैं और उनको उनसे अपडेट ले सकते हैं, आप उनको लिखें राइटिंग रिकॉर्डेड डिलीवरी के जरिए भेजें और उसके बाद आप जो है वो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यही एक ही सूरत हाल है, आप सिर्फ उनको अभी लिख सकते हैं, उनसे रिस्पॉन्स मांग सकते हैं, अगर फिर भी आपको जवाब ना मिले तो फिर आप उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेज सकते हैं। बिल्कुल शासी, वेरी गुड, बिल्कुल ये दीज आर द वेज टू फाइंड आउट अपडेट, स्टेटस अपडेट्स। आशी साहब जी की जो कॉल आई थी, इज बीन मैरिड 5 years, उनकी वाइफ जापान में, obviously this is a very the rules are very clear on this, because Shazia, the immigration rules now says clearly you have to be 5 years, 2.5 pit up to 2.5 and 2 years or day, obviously he's not going to get leave to remain जी, अगर वो जिस बेसिस पे आपने जो है वो यहाँ का स्टे लिया है, अगर वो बेसिस ही यहाँ पर नहीं रहती, वो रीजन ही यहाँ पर नहीं रहती, देन यू हैव नो रीजंस टू स्टे इन दिस कंट्री, इट मींस के यू आर ब्रीचिंग इमिग्रेशन रूल्स और यू आर ब्रीचिंग द यूके लॉ। तो इस सिलसिले में यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपको जो है वो विद इन सर्टन टाइम ऑफ पीरियड अपने वीजे को फिर स्विच कराना होगा, होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना होगा, और आपकी कोई भी अनदर कैटेगरी में अगर आप जा सकते हैं तो आपको अपना जो वीजा है, जो स्टे है इन दिस कंट्री, वो आपको लीगलाइज करवाना होगा। बिल्कुल, एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं। हेलो हेलो, वाले साहब कौन कहाँ से? जी मैं रोस्टल से बात कर रही हूँ। जी जी, आप सिस्टर अपना नाम बताएंगी? जी मेरा नाम नसीम है और मैं अपना पूछना चाह रही थी। ठीक है, अपने वीजे के बारे में प्लीज। ठीक है, आप क्वेश्चन करें। मैं 2010 में यहाँ पे आई थी 24 फरवरी को, तो मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने अपना नेशनलिटी कब अप्लाई कर सकती हूँ? ओके, 2010 में आप कौन से मंथ में आई थी? मैं 24 फरवरी। 24 फरवरी, और कौन से बेस पे आप आई थी? मैं इंडेफिनेट लीव था जब मैं आई थी, जिसके मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरा बेटा यहाँ पे था और मैं उस बेस पे आई थी। ठीक है, राइट, ओके, ठीक है मिसेज नसीम, आपके क्वेश्चन आ गए, आप प्रोग्राम वॉच करें, हम आपको जवाब देंगे, और बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं हम उनको अभी जवाब दे रहे हैं, और आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह अभी आपको जवाब दे दें। जो नदीम साहब की जो कॉल आई थी, विजिटर पे आए थे, 16 years इन यूके, 14 years, आई थिंक वी डिड नदीम का तो नो वी हैव 14 year रूल पे करना चाह रहे थे, बट ऑब्वियसली ही कुडंट बिकॉज़ दैट्स बीन नाउ टेकन आउट, इट्स अ 20 year रूल, ही इज बीन अरेस्टेड, डिटेंशन में भी जा रहे, इनके बारे में हमें बताना है, ऑब्वियसली वी कैन हेल्प हिम, इज गोना बी अ बेल एप्लीकेशन, थोड़ा सा इन्हें मजीद बताएं। जी, बेल एप्लीकेशन में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो परमानेंट रिलीज हो चुके हैं, वो फॉर टाइम बीइंग आपको रिपोर्टिंग पे लगा देते हैं, यू मस्ट कंप्लाई विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग पे नहीं जाते और दोबारा आपको डिटेन कर लेते हैं तो वो दोबारा आपकी बेल आउट भी नहीं करेंगे और आप पे ये एलिगेशन लगा दिया जाएगा दैट यू हैव बीन एब्सकॉन्डेड और आपने जो है वो रिपोर्टिंग नहीं की, पहली बात। और दूसरी बात यह कि जब आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो किसी भी वक्त वो आपको पकड़ के बिठा सकते हैं, आपको डिटेन कर सकते हैं इफ यू हैव नो वैलिड एप्लीकेशन पेंडिंग टू UKBA। तो इस सिलसिले में आपको जो है वो आप अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक, बिकॉज जो लॉन्ग रेजिडेंट यूके में होते हैं उनका केस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जाननी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि पहले ऑलरेडी उन्होंने कौन कौन सी एप्लीकेशन डाली हैं और जब से वो आए हैं आया उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री किस तरह की रही है, कितना उन्होंने प्राइवेट लाइफ में जो है वो इंटेग्रेशन किया है और क्या क्या उनकी यहाँ पर प्राइवेट लाइफ इस्टेब्लिश हो चुकी है, उस सूरत हाल में अगर उनका कोई केस बनता है तो आपको डेफिनेटली यू मस्ट सेंड योर एप्लीकेशन टू होम ऑफिस बिफोर यू गो फॉर रिपोर्टिंग, अनलेस अंटिल योर केस इज पेंडिंग देयर इज चांस फॉर यू टू बी डिटेन्ड अगेन बाय देम। तो इस सिलसिले में आप किसी लॉयर से, किसी सॉलिसिटर से रजू करें और अपना जो है वो कोई ना कोई केस जो है वो आपका जो भी आपके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक बनता हो वो जरूर आप होम ऑफिस में डाल लें। अच्छा शाजी, तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए बताने के बेल में क्या होता है नदीम साहब को, मगर नदीम साहब अगर चाहते हैं हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें ऑब्वियसली डिटेल्स भेजें अपने केस के बारे में, ईमेल भेजें, ऑब्वियसली हमारा ईमेल एड्रेस होगा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हमें ईमेल भेजें, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।
again, bail ka bhi wo time hi hoti hai, when you can do the bail, you know, basically how, when he was arrested, uske baad agar aap us set time mein nahi kare, then obviously you're back out of time. So this is very important. Our viewers ko ye batate chale, bail ka ye nahi, to aapko 10 din ho gaye aur ye overtime ho gaye, then they're not going to consider it because you're only given a specific time to put an application in. Yes. Yeah, it's from the date when they serve the notice. Yeah. So if Nadeem sahab ko ye notice ek week ho gaya, then it's going to be very difficult circumstances. However, we can still look at it. No, is surat hal mein jis tarah se maine pehle baat ki ki aapka jo bhi compelling and compassionate circumstances bante hain, aapka ek detailed interview hoga aapke solicitor ke saath, us surat hal mein phir usme chances dekhe jayenge ki aapka jo hai wo kaun sa application hai jis silsile mein aapne UKBA ko apne stay ke liye application dalni hai. Obviously abhi aap 20 years ke rule pe to application nahi dal sakte aur na hi wo successful hoga. Aapko abhi apne jo hai wo private life ke silsile mein ya aapke yahan par jo bhi पर्सनल सर्कमस्टांसिस रहे हैं, पहले आपने जो भी एप्लीकेशन डाला है उसको आपको कंसीडर करना है और उस सिलसिले में आपने लॉयर से रब्ता करके तो अपना जो है वो कोई जो भी केस आपका पेंडिंग होगा उस सिलसिले में फिर आपने जो है वो कंप्लायंस करनी है. और इन द मीन टाइम आपका जो आपको नोटिस सर्व हुआ है वो ऑब्वियसली वंस यू हैव बीन ग्रांटेड लीव टू रिमेन इन दिस कंट्री, वो जो नोटिस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाए. जी सलाम अलैकुम. अस्सलाम अलैकुम जी, कौन कहाँ से? जी मेरा नाम हाजरा है. जी जी आप? और जी जी अब मैं लंदन से बात कर रही हूँ. ओके जी, मुझे जो है ना ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे तीन साल का फैमिली बेस पे लीगल लाइक यू नो क्या कहते हैं इसको फैमिली बेस पे मिला है. अच्छा वीजा राइट पे, क्योंकि हम सारे ब्रिटिश हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं उनको तीन तीन साल का मिला है. अब नेक्स्ट ईयर उनको अप्लाई करना है. राइट ठीक है जी. तो मुझे ये पूछना था कि उस पे ये लिखा हुआ है कि नो पब्लिक फंड, तो मैं जो हूँ क्या करूँ? मैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में उनका नाम डालूँ कि मैं ना डालूँ? ठीक है. अच्छा आप थैंक यू हाजिर बहन, आपका क्वेश्चन आ गया हमारे पास. की वॉचिंग प्रोग्राम, हम आपको इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे. शाजी अलेस को से जो कॉल आई थी अभी मिस नसीम की रोशजा से, तो वो कह रही थी ऑब्वियसली शी इज बीन आउट ऑफ कंट्री टू कम बैक ऑन द 24th ऑफ फरवरी. नेशनलिटी के वो कह रही नेशनलाइजेशन की सॉरी वो अप्लाई कर रही है. And she's got a leave to remain. Always the rules are 1 year after the ILR के बाद. वो 1 year तब होता है जब इस कंट्री में ऑलरेडी आप रह रहे हों. लेकिन चूंकि आप दूसरे कंट्री में थे, आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिला आपके हस्बैंड के बिहाफ पे, तो इस सूरत हाल में आपको इस कंट्री में जो है वो लीगली 5 years कंप्लीट करने हैं बिफोर यू कैन गेट नेशनैलिटी इन दिस कंट्री. आपको ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 4 एंड हाफ ईयर्स आई थिंक हो चुके हैं. आप जो है वो आफ्टर 6 months टाइम अपना एप्लीकेशन for naturalization आप डाल सकते हैं. Yeah, बिल्कुल. That's gonna be after the completed time 5 years. जो अपनी जो कि कॉल आई थी नसीम, मिस नसीम की, तो आप हमें कॉल करें, ईमेल भेजें, we'll be more than happy to help you with your application naturalization की. Thank you for your call. एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. Hello. 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 जी जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं रेडिंग से बोल रहा हूँ, जमाल. जी जमाल साहब मेरा. हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था जी. मेरे पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, मेरी मिसेस के पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं लेकिन वो 12 साल से मेरे साथ रह रहे हैं. ठीक है, और उनका मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करूं या मैं उनका सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करूं? 12 साल से आपके साथ किस कंट्री में? यहाँ यूके में रह रहे हैं? हाँ जी, यूके में रह रहे हैं. और आपकी नेशनैलिटी कब हुई थी? मेरी इसी साल हुई है, जून में. आपकी नेशनैलिटी अभी हुई है और आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ इस कंट्री में तो नहीं पैदा हुए होंगे? नहीं नहीं, पाकिस्तान में. पाकिस्तान में पैदा हुए. जी जी, अब्रॉड पैदा हुए हैं. और अभी आपका जो आईएलआर हो चुका है आपके आपके नेशनलिटी है, सॉरी आपकी वाइफ की, आपकी वाइफ की इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है? जी बिल्कुल, आपके बच्चे जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन मैंने होम ऑफिस फोन किया था तो मुझे डिफरेंट बातों ने डिफरेंट आंसर दिया. वो कहते हैं जी पहले इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करें बच्चों के लिए.
چونکہ آپ جو ہے وہ نیشنل ہو چکے ہیں, آپ کی نیشنلٹی ہے, تو اس لیے مطلب اب آپ کے بچے جو ہیں وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں, وہ آلریڈی اس کنٹری میں رہ رہے ہیں تو اس لیے وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل. آئی تھنک جمال صاحب آپ کا جو کیس ہے وی کین ہیلپ یو, از دیئر کنفیوژن اور اس میں آپ کو انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی آپ ڈائریکٹلی اپنے بچوں کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بیکاز وہ تو ان کو تو نیشنلٹی مل چکی ہے, ایز اے فادر ہی کین ڈو اٹ. آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ٹو بی آنیسٹ آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, آپ ہمیں ای میل بھیجیں وتھ فردر ڈیٹیلز, ذرا سی کلیئرٹی ہو جائے گی, ذرا سا کنفیوژن ہو رہا ہے آپ کی بات میں. وائف کو آئی این آر مل چکا ہے, بچوں کا ابھی نہیں. کنفیوژن اس سلسلے میں ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جب فادر کی نیشنلٹی ہوگی جو بھی کال آئی تھی حاجرہ بہن کی, جو وہ کہنے تھیں کہ ہیومن رائٹس پہ مل چکے تھے, وہ اپنی ڈیٹیلز چائلڈ ٹیکس کریڈٹ پہ, شی وانٹس ٹو پوٹ ہر ہسبینڈز ڈیٹیلز وغیرہ, بیکاز آبویسلی ہی کین ناٹ بی, یو ناٹ الاؤڈ ٹو گو آن پبلک ریسورسز. تو اس کے بارے میں, اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کرنے سے پہلے خود کوئی بھی بینیفٹس وغیرہ اپلائی نہیں کر سکتے, لیکن اگر بچوں کے بینیفٹ ہیں, بچوں کے چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ہے, تو اس پہ ان کے انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو اس لیے اگر آپ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی پرابلم ان کے انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین میں نہیں ہوئے گی. اوکے, وہ جو آپ کہہ رہی تھیں بیسیکلی آن ورکنگ ٹیکس کریڈٹ, بیکاز شی از ورکنگ. اگر آپ کو مزید اور انفارمیشن چاہیں تو پلیز آپ ہمیں ای میل بھیجیں, اینڈ آبویسلی کافی آپ کو انفارمیشن ہم دے دیں, ویل ٹرائی ٹو گیو یو دی بیسٹ ایڈوائس, دیٹس واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو. اور آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ اپنے کسی کمپیٹنٹ سولیسٹر سے بات کریں, وکیل سے بات کریں, جو آپ کو گائیڈ کریں, بٹ وی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو اف یو گیو اس این ای میل. شاسی, آبویسلی یہ جو انگلش لینگویج ٹیسٹ کا ہے, لیٹس جسٹ کوئکلی ٹاک کرنا, تھوڑا سا ٹچ کر دیں بیفور دی پروگرام فنشز. That's a very important requirement, chahe nationality ke ja rahe hain, chahe aap ILR ke ja rahe hain, chahe marriage ke ja rahe hain. Let's just talk about that. This is very important. Sirf 3 or 4 points hain jisme jo hai wo kisi ko exemption mil sakti hai. Usme ek to wo khawateen jo domestic violence ki base pe ya jo bhi domestic violence ki base pe apni application daal rahe hain, unko jo hai wo انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین سے پہلے اپنا لائف ان دا یو کے سے ایگزمپشن مل سکتی ہے. دوسرا, اس طرح کے لوگ جو مینٹلی اور فزیکلی کیپیبل نہیں ہے ٹو ریڈ اور ٹو ٹیک ٹیسٹ فار لائف ان دا یو کے, ان کو بھی ایگزمپشن مل سکتی ہے. اور تیسری بات اس میں عمران صاحب یہ ہے کہ جو لوگ اوور 65 ہیں اور انڈر 18 ہے, they can get exemption as well from life in the UK, or go straight away اپنا لائف انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی جن جو بندے سیویئر ڈسیبلٹی پہ, جو کیریئر الاؤنس پہ, دے کین ڈو دیٹ. جس طرح آپ نے بتایا, لائک یو جسٹ ایکسپلین, اوور 65 no problem. Again, or as jo domestic violence domestic violence basis pe karte hain unko bhi exemption. Again, hum obviously ye discuss karenge aainda program mein, ye to abhi aapne touch karai. So ye hota hai computerized program hota hai, and it has to be the koi 45 minutes hote hain, they need to get out of 24 questions, mein se 18 questions unko sahi karna padte hain. It's the criteria is really hard. I think more than 75% marks jo hain wo lene hote hain aapko before you can just to say that you've passed your life in the UK test. To us silsile mein jinhone yahan par UK mein koi na koi degree padhi hoti hai, unko uske sath jo ESOL ka ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں لسننگ, ریڈنگ اور اس کے علاوہ رائٹنگ, اسپیکنگ, وہ ایگزمپشن مل جاتی ہے. لیکن جن کی ڈگری یہاں اس کنٹری میں نہیں ہوتی ان کو ایگزمپشن نہیں ملتی, ان کو اس کے ساتھ ESOL B1 اور B2 لیول بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل. سو اگین 24 کوسچن, 18 کوسچن یو مسٹ گیٹ رائٹ ٹو پاس, ان کو 18 کوسچن چاہیے تھے پاس کرنے کے. اگین وی رن آؤٹ ٹائم, لائف ان یو کے ٹیسٹ یا A1 B1 وی آر گونا کیری آن ٹاکنگ, ڈسکشن ہماری چلے گی نیکسٹ آئندہ پروگرام میں. And as usual, we run out of time. Aapki calls aa rahi hain, unfortunately we cannot take them. Aapse yehi request hogi that please aap hame email bheje.
ईमेल पे हम आपकी जितने भी सवाल आपने जो अभी करे जो प्रोग्राम पे वे अप्रिशिएट हम आपको और मजीद इंफॉर्मेशन देंगे थ्रू ईमेल्स, और जो कॉल नहीं ले सके उनसे हम माजरत करते हैं, आइंदा प्रोग्राम में हम जरूर कोशिश करेंगे लेने की। बट आफ्टर द प्रोग्राम आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं थ्रू द कंट्रोल रूम। एंड वंस अगेन वी गॉट टू टॉक अबाउट दिस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लाइफ इन यूके टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आइंदा प्रोग्राम में। And Shazia, I want to thank you for coming down and participating. Again, अच्छी advice देना बहुत important होती है, and we like to help everyone, and that's the important thing. बहुत शुक्रिया, thank you so much, और thank you for to reviewer as well, जिन्होंने question किए. I hope that you understood the answers you asked. लेकिन अगर फिर भी आपको कोई और question पूछना है, या आपको कोई और further information लेनी है, या कोई further advice लेनी है, तो आप हमें contact कर सकते हैं out of even television show hours. फिर भी we are there to help you out. Thank you, Shazia, and viewers, आपसे again, thank you for watching Legal Matters, and we'll be back next week talking about immigration, litigation and representation. We'd listen to take your views and give you news about the new rules and how it will affect people. So thank you for watching and participating. Thank you.